पत्रकार अमित सोनी ने कोर्ट पेशी के दौरान अपने पिता की जान को खतरा बताया। हनीट्रैप मामले पर संजा लोकस्वामी में खुलासा कर सरकार के निशाने पर आए संजा लोकस्वामी समूह के अमित सोनी ने कोर्ट पेशी के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। सोनी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मेरे पिताजी की जान को खतरा है, कई लोग उनको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। पत्रकार अमित सोनी के वकील द्वारा बताया गया है कि अमित सोनी का होटल माय होम से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ना तो वहां के पार्टनर हैं, न ही कागजों में अमित सोनी का किसी प्रकार का जिक्र है। इसको लेकर आपत्ति लगाई गई थी। वहीं सरकारी वकील द्वारा अन्य और बिंदुओं पर अमित सोनी से पूछताछ करने को लेकर 12 दिसंबर तक का रिमांड मांगा गया है। का है वो ये कहता है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड अगेंस्ट विटनेस कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिज ओन सेल्फ। खुद के खिलाफ बयान देने के लिए कोई अपनी स्थिति में स्पष्ट नहीं कर सकता, तो इन चीजों को हमने अपोज करा है। पर उनका ये कहना है कि हाँ, हमने ये मान भी लिया, हमारे पास रिकॉर्ड पर ऐसा कोई कागज नहीं है जो इस्टेब्लिश करे कि अमित सोनी का माय होम होटल से कोई डायरेक्टर के रूप में, पार्टनर के रूप में, प्रोप्राइटर के रूप में कहीं कोई संबंध है, तो किस कैपेसिटी में रिमांड, इसका स्पष्टीकरण दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये नहीं भी है पेपर पे तो भी इनका कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए हमें रिमांड चाहिए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों का आवेदन तर्क सुनने के बाद आदेश पर रिजर्व रखा है मैटर। सरकारी वकील की दलील पर कोर्ट के आदेश के बाद अमित सोनी को 12 दिसंबर तक पलासिया थाना को रिमांड पर सौंपा गया है।